तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वकास एंड उस्मान मिनी जू। तो हम आपको लेके आए हैं नवाबशाह के बड़े जानवरों की मंडी में। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े सब लोग ये पर्चियों वाले, एंट्री वाले। मैं आपको एंट्री दे चुका हूँ। पहले साई में साई साई पहले तो ये बताओ कि आपका पर्ची का क्या असूल है। एक मिनट बैठ के वीडियो में बैठ के आप पहले बताओ तो आप कौन से डिपार्ट ऐसे चोरी के आते हैं? ये जानवर ऐसे घरों से निकल लोग चोरी करते हैं तो इधर आते हैं। हमारी मंडी का एक असूल है, हमारी मंडी की पर्ची है दाखिला, सही एंट्री होती है। वो एंट्री इसलिए करते हैं कि वो मालिक की हमें निशानदेही होती है कि ये मालिक लाया था जानवर। कल को कोई बाहर का बंदा आके उसके जानवर पे खड़ा नहीं हो सकता, चोरी करना चोरी करना है। और पर्ची जो दूसरी मंडियों पे है वहाँ 200 दाखला चलती है और 3000 लिखाई चलती है। सही। हमारी ये यतीमों की मंडी है, मतलब यतीमों के ट्रस्ट में जाता है हमारा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ये बहुत बहुत बड़ी बात है यार। ये हमारे मालिक है जो हमारे सेठ है मेमन साहब, वो ट्रस्टों में देते हैं ज्यादातर यतीमों को और उनके घरों में जो राशन वगैरह होता है वो देते हैं। हमारी मंडी की लिखाई सबसे सब मंडियों से कम है। दूसरी जगह पे 3000 चल रहा है, हमारी जगह पे 1600 व्यापारी को है, 2000 लोकल बंदे को। सही सही, चारों तरफ से। अच्छा, सबसे ये सबसे अहम बात ये है कि लोग जो परेशान है चोरी के माल से बच सकते हैं कि भाई चोरी का नहीं लग जाए। आप लोग गारंटर लेते हो कि भाई किससे खरीदा है, क्या सारा ये चीज बताने की। कोई आ भी जाता है तो ऐसे बिठा के हम दोनों को मसले को हल करते हैं। हम इस वीडियो से यही प्रेफर करेंगे मंडी से लें और पर्ची लाजमी लें। पर्ची लाजमी, ये मालिक पर्ची माल खरीदार के लिए सबसे सेफ है कि भाई चोरी न मिल जाए। ठीक, बड़ी मैं। तो दोस्तों पर्ची के इंट्रोडक्शन के बाद हम आपके पास आए हैं। आगे ये लोगों ने अपने जो माल खरीदा हुआ है अभी फिलहाल जरे जो आए हैं वो नाश्ता कर रहे हैं। बड़ा बेहतरीन नाश्ता, खुले माहौल में नाश्ता का अपना ही मज़ा है। खुले माहौल के नाश्ते का अपना ही मज़ा है। ठीक है, ये साहब ये व्यापारियों ने खरीदे हैं जानवर अपने, ये खरीद कर बांधे हैं, ये फिर लोडिंग करेंगे एक दूसरे शहरों में जाने के लिए। वो सब प्यारे प्यारे जानवर, कोई किस शहर से आता है कोई किस शहर से, ये गाड़ियां देके खड़ी हैं लोड लेके जाने के लिए। ये कोई अपनी चीजें बेचनी है, कोई टीपू हारी वो अपनी कोई दवाइयों वाली है, क्या चीज ऐसी कोई चीजें बेचने आया है। ये एक साइड पाडों की है, भैंस के बछड़ों की और पाडों की, ये चीजें जो है ना एक साइड ये है पाड़े पाड़े। ये लोग कुर्बानी में भी करते हैं, गोश्त में भी चलते हैं बहुत। ये देखिए सारा दूसरे शहरों से पाड़े बहुत आए हैं माशाल्लाह। चाचा पाडो ना घना पैसा है ना, कितने पैसे भाई इसका? इसके भाई हाँ 85। वजन कितना होगा इसका? वजन 2.5 मन। 2.5 मन वजन होगा इसका 85,000। मैक्सिमम कमी पेशी तो बता रहे अपनी रेंज तो, ये कमी पेशी तो जाहिर सी बात है मार्केट होगी। फिर इसके बाद आ जाता है बछड़ों का है, जो छोटे बड़े सब कुर्बानी के लिए माल। अभी जो देखें छोटे छोटे ये अभी ये चाचा दो दांत है, कितना पैसा? 1,05,000 माशाल्लाह। कलर बड़ा ब्लैक एंड ब्राउन और देखो बड़ा प्यारा माशाल्लाह। नहीं मारने वाला है, नहीं डर रहा है बेचारा, गरीब है डर रहा है माशाल्लाह। दो दांत है 1,05,000। चाचा दो दांत है, खीरा खीरा कितने पैसे इसका? 65,000 खीरा है। अभी खीरे हैं। जैसे जैसे मंडी करीब आएगी माल ज्यादा आएगा, इतना माल आ जाएगा पांव रखने की जगह नहीं होगी। ये देखिए दो दांत है, खीरा है ना, दो दांत कुर्बानी वाला। हाँ जा रहे उधर जा रहे हैं, ये सारे खीरे हैं, ये सारे सब छोटे दाने खीरे हैं। ये लेके रखने के लिए अच्छे हैं, ये
जो लोग खरीदार इन्वेस्टर हैं कितने प्यारे प्यारे लेके रख लेते हैं। उसके बाद अभी हम आए हैं इधर। चाचा दो दांत है, खीरा सब खीरा है, ये पीछे भी खीरे दो दांत है ये। अच्छा ये सब खीरे हैं, दो दांत आज कम आए हैं यार। ये सार ये बिक गए, इसमें अभी वो दो दांत हैं ब्लैक एंड रेड, दो दांत भाई खींच लेते हैं। कितनी प्यारी जोड़ी है, लोग ऐसे करते हैं ना, हल वल चलाने के लिए भी ले लेते हैं इन, वो भी है ये भी है, जिसको जो पसंद होंगे हल वाले चलाने वाले ले लेते हैं, कोई पालने के लिए ले लेते हैं, कोई गोश्त के लिए ले लेते हैं, कोई ईद के लिए ले लेते हैं। फिर पीछे हमने आपको दिखाया भैंस के बछड़े की जगह, उसके बाद हमने दिखाया आपको गांव के बछड़ों की जगह, इधर बड़ा जानवर दो दांत वाला। अभी ये लॉरी बकरे जो हैं, सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो तो, गधों की मंडी। आहिस्ता आहिस्ता गधे बिकने कम हो गए बिल्कुल, उसका रेशो बहुत कम हो गया। अभी सिर्फ चार आए यार, वो देख के हैं वो क्या कर रहा है गधे का। अभी ये गधा डक डोंकी इधर एक, वो दो तीन है, ये है, ये कुछ सौदा चल रहा है इनका, क्योंकि लोग अभी चेंज हो गए, लोग अभी चले गए उस तरफ फटों की तरफ, चिंची फटों की तरफ। ये भाई उसके बाल काट रहा है, मॉडर्न करना है उसकी, वो उसका क्या बोलते हैं, नाई है इनका गधों का, बालों की कटाई हो रही है भाई डिजिटल तरीके से। वो देखो भाई, ये भाई अजाम है गधों का। उसने जनरेटर लगाया अपना, जनरेटर लगा के ये देखो भाई, अब ये ऐसा लशपश निकलेगा माशाल्लाह। हाँ भैया कैसा है, तुमने करवानी है टिंड? चलो आ रहे हैं, आस्ता आस्ता भी आएंगे और भी आएंगे, बहुत आएंगे। देखो एक आ रहे हैं दुनिया, ये जी नवाबशाह की मंडी, वो उस गेट से हो गया इंटर, भैंस का बच्चे फिर गाय। ये देखो स्पीड 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 मार रहा है भाई, स्पीड मार रहा है गधे के बच्चे। अभी माल आ रहा है, बहुत आ रहा है माल, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है। मवेशी मंडी, मवेशी मंडी में भाई अभी दूसरा आगे ये है गाय, माशाल्लाह कितना यार बछड़ा कितना प्यारा है यार, कितना छोटा सा, कितना नाजुक होते बच्चे, सारे नाजुक होते हैं गाय के बच्चे। ये गाय, ये गाय वाला पोर्शन है, अगर किसी ने रेट पूछने हो तो हमें कमेंट में बताए तो हम गाय के रेट पूछ के बता सकते हैं। यार ये देख गाय का बछड़ा कितना प्यारा है, ये देखो ये भी इतना प्यारा है, वो उसने उठा लिया ऊपर। ये देखो कितने बड़े सींग वाली का, ये देख भाई ये गाय हो गया भाई, बच्चे बहुत प्यारे। ये गाय का सिस्टम है, चार पोर्शन है इधर पांच। ये भाई वो भैंसे चेक करने के लिए वहां ले गए अपना, ये सारा हो गया गाय, वो भी गाय गाय बच्चे। अभी गर्मी का सीजन है तो ये महंगी बिकेंगी दूध की वजह से, किंग हो रही है उनके दूध ठंड, कोई मसला मसायल सब इधर छाँव में ला के तसल्ली से अपनी चेकिंग कर, सब तसल्ली से अपनी चेकिंग करेंगे। ये देखो वो दूध उसने चेक किया, नहीं उसके थन चेक करते ना, कुछ थन खराब तो नहीं है।
थन उसके चेक करते हैं, कोई खराब कोई मसला मसाइल इधर से तसल्ली करके लेके जाए अपन। ये भी है सही है। सौदा हो रहा है माशाल्लाह। चेकिंग अभी ये चेकिंग कर रहा है, अभी ये चेक हो रहा है, ऐसे चेक होगा। उसको दूध उतारेंगे, उसका दूध निकालेंगे, उसके थन चेक करेंगे, ऐसे ही है ना भाई। खैर तभी से ठीक है तेरी है। ये चेकिंग के लिए ये सब देखे कैसे चेक कर रहा है, इसको दबा के ये इसको चेक पी के भी चेक कर रहा है, कोई स्मेल कोई बदबू कोई मसला। मतलब इसका थन चेक कर रहा है, कोई थन खराब तो नहीं है, तो दबाने में दर्द तो नहीं हो रही भैंस को, बिना देख रस्सा बांधे उसको दे। अब ये चेक कर रहा है। मजे की बात यह है भैंस माशाल्लाह सुकून से खड़ी है। अरे तो ओके थी भाई अभी सौदा हो रहा है। अभी उसको मना रहे हैं कि इतने पैसे ले ले इतने पैसे ले ले, सौदा कर रहे हैं अभी। अभी देखो नसीब किसका, ये वो लड़ नहीं रहे, ये प्यार मोहब्बत में मतलब कुछ समय लड़ रहे हैं उससे। ये ऐसे ही मंडी में चलता है प्यार मोहब्बत, ये व्यापारियों की ये प्यार मोहब्बत होती है, लड़के जबरदस्ती नाड़ो फटो करे प्यार मोहब्बत आ रहा। चलो जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, सौदा हो गया उनका, अल्लाह उनके नसीब करे। ये लड़ते नहीं है, ये सिर्फ प्यार से एक दूसरे को खींच दे, कुछ दो रुपए छोड़ दे, सब व्यापारी गालियां भी देते हैं, सब प्यार से लड़ते नहीं है कोई भाई है, मतलब इनका इनकी लैंग्वेज है ये, ऐसी प्यार मोहब्बत वाली है माशाल्लाह। वो दूसरी भैंस भी चेक हो रही थी, उसका भी सौदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई ये गाय माशाल्लाह कितनी प्यारी, सात गाय थे इसके पीछा देखो। तो ये सारा जो है ना भैंसों का पार्ट है, दो भैंसों का हमने आपको दिखाया, सौदा हो गया। अभी जिसको जहाँ सेटिंग अपनी समझ में आएगी वो उधर लेके जाएगा, चेक कराएगा, चेक करने के बाद तसल्ली करके पेमेंट करेगा। ये सब भैंसों का सिस्टम। कट्टे उधर कितने थे कट्टे यार, ये सारी गाड़ियाँ अभी लोड हो गए अपना, कोई लेके आ रही है कोई लेके जा रही है। ये जी हमारे नवाब शाह की मवेशी मंडी, ये माल शायद आया है अभी बाहर से जो कारीगर है वो घेर रहे हैं। ये खाने पीने का सिस्टम है, किसी को भूख लगे तो यहाँ से खाना पड़ेगा आपको,
ये अपना साथ लेके आना पड़ेगा। हर मंडी में आपको हकीम लाजमी मिलेंगे। ये हकीम बैठे हुए हैं, ये भाई नवाब शाह की मवेशी मंडी। रश पब्लिक आएगी, बहुत आएगी। ये इंटर गेट में बैठे होते सारे,